धरोखा चैनल में आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का जीवन परिचय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धूल निबंध के रचनाकार रामविलास शर्मा जी का जीवन परिचय। देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 2000 में हुई। अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद शर्मा जी लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए थे। बाद में शर्मा जी ने शुरू में कविताएं भी लिखी, नाटक और उपन्यास भी रचे, लेकिन बाद में वे प्रमुख रूप से आलोचना विधा में ही रम गए और उन्होंने आलोचनात्मक जो रचनाएं लिखी हैं, किताबों की रचनाएं की हैं, वो अप्रतिम हैं। उनका विश्लेषण करने का, उनका समीक्षा करने का, उनका रचनाओं के गुण दोषों को पहचानने का जो अपना तरीका है, वह बहुत भिन्न है और सार्थक है। इसलिए आलोचना के क्षेत्र में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। उनकी हम प्रमुख रचनाओं को जानते हैं। आलोचना विधा में उन्होंने जो लिखा है उसमें किताब के नाम है भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी अंबेडकर लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं। कविता संकलन जो उनके प्रकाशित हुए हैं उनके नाम है बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं, सदियों के सोए जाग उठे, नाटक जो उनका है उसका शीर्षक है पाप के पुजारी, उपन्यास उन्होंने लिखा है चार दिन और उनकी आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग। उन्हें उनकी इस योगदान के लिए जो उन्होंने जीवन भर रचनाएं रचकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, उन्हें बहुत से सम्मान और पुरस्कार भी दिए गए। जैसे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, व्यास सम्मान दिया गया है, शलाका सम्मान मिला है और जो भी राशि उन्हें पुरस्कार के रूप में मिली उसे उन्होंने साक्षरता को बढ़ाने के लिए काम करने हेतु दान कर दिया। तो यह था रामविलास शर्मा जी का जीवन परिचय। आपसे अनुरोध है कि कृपया ऐसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल आपके मन में उठता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।